খুব তো আঙুল সাজাচ্ছেন, খুব তো কমলা সাজাচ্ছেন, বিডারে বিডার বাপ কি জানে যে বাংলাদেশে সারা বাংলাদেশ জুড়ে ইন্ডিয়ান প্রোডাক্ট বয়কট চলতেছে। দেখেন এই যে সকাল 11:01 এখন বাজারে ভরা যৌবন, এই ভরা যৌবন কলে একটা মানুষের দেখা নেই বাজারে, বাংলাদেশি মানুষদের একটা মানুষের দেখা। আসসালামু আলাইকুম ইভার্স, মে হুঁ এহসান খান আর আপ দেখ রহে হ্যায় হামারা ইউটিউব চ্যানেল এহসান রিয়েকশন উইথ এহসান। मैं उम्मीद करता हूं आप जहां भी होंगे इंजॉय करते होंगे, मज़े में होंगे और फिट फाट होंगे। आज जुमातुल मुबारक है, आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। गैडा बॉर्डर की वीडियो है, बैना पुल गैडा बॉर्डर, ये वो बॉर्डर है जहां से बहुत बड़ी तादाद बांग्लादेशियों की वेस्ट बंगाल में इंडिया में जाती है। लेकिन ये गैडा बॉर्डर के ऊपर मैंने कल वीडियो के ऊपर भी हमने बात की थी, वो वीडियो आपके साथ शेयर की थी, उसके ऊपर रिएक्शन दिया था कि वहाँ के हालात बहुत ख़राब हैं और फिर वहाँ के जो दुकानदार हैं वो सारा दिन बेचारे वेले बैठे रहते हैं, वो कहते हैं कोई आता ही नहीं है इधर। लेकिन अब जनाब एक और वीडियो है वहाँ की, हमारे पास व्हाट्सएप आई कि गैडा बॉर्डर के ऊपर अब जो हालात हैं वो इतने बुरे हालात, वो कहती हैं वेस्ट बंगाल या भारत की तारीख के इतने बुरे हालात कभी नहीं हुए, हत्ता के कोरोना आपको पता है आलमी वबा आई उस वक्त भी इतने बुरे हालात नहीं हुए जितने बुरे हालात वो कह रहे हैं अब हैं। क्यों? क्योंकि बांग्लादेशी नहीं जा रहे, बांग्लादेशियों ने बाइकॉट इंडिया की कंपेन चला रखी है, बांग्लादेशियों ने इंडियन जितनी भी प्रोडक्ट्स है वो परचेज नहीं कर रहे और अब ये हालात आ चुके हैं कि जो बाडा जो गैडा बॉर्डर है वहाँ पर रहने वाले रिहायशी हैं, मकीम हैं और जो दुकानदार हैं, बिजनेसमैन कम्युनिटी है, वो अब जनाब बांग्लादेशियों को कह रहे हैं कि काइंडली आप आइएगा, अगर आप ना आए तो हमारा बहुत बुरा हाल हो जाएगा, हमारे घर तबाह हो जाएंगे, हम रोजी रोटी कैसे कमाएंगे, अपने बच्चों को कैसे पालेंगे। आप दिल्ली में बैठे हुए हुक्मरानों की तरफ ना देखें, एक बड़ा सवाल है, एक बड़ी रिक्वेस्ट है। वो कह रहे हैं कि जो हुक्मरान हैं एलीट हैं वो तो इजीली रह रहे हैं लेकिन मसला हमारा है, और वो ये भी कह रहे हैं कि जो बीजेपी सरकार है आप उनकी तरफ ना देखें जिसने नफरतें फैलाने की कोशिश की है अगेंस्ट बांग्लादेश, वो कह रहे हैं कि आप हमारी तरफ देखें। मैं चाहूंगा कि सबसे पहले ये वीडियो व्यूअर्स देख लें फिर हम इसके ऊपर बात करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, बहुत ही इंटरेस्टिंग ये वीडियो है और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आपने आखिर तक जरूर देखना है। कैसे बांग्लादेशियों ने चीखें निकलवा दी हैं, कैसे बांग्लादेशियों ने ये साबित कर दिया है अगर वो यकजा हो जाएं, अगर वो इकट्ठे हो जाएं, अगर वो मुतहिद होकर कोई भी काम करते हैं तो फिर दुनिया का चाहे कोई भी बड़ा मुल्क हो वो घुटने टेक देता है बांग्लादेशियों के आगे। ये चीज अब साबित हो चुकी है क्योंकि बांग्लादेशियों ने जनाब ये बाइकॉट इंडिया की कंपेन चलाई, इससे पहले इंडियन ने अगेंस्ट बांग्लादेश चलाई लेकिन वो नाकाम हो गई, फ्लॉप तरीन हो गई। लेकिन बांग्लादेश की ये जो कंपेन है ये कैसे कामयाब होती है और कैसे ये बैडा गार्डर सुनसान पड़ा है जिसमें वो कहते हैं कि पांव रखने की जगह नहीं होती थी यहां पर, यहां से जो रेलवे में कलकत्ता की तरफ जाते थे रेलगाड़ी में बैठकर, वो कहते हैं इतनी भीड़ होती थी, इतना रश होता था कोई सोच भी नहीं सकता था, लेकिन वो अब कह रहे हैं कि इधर कोई आता ही नहीं है जिसकी वजह से हम बहुत परेशान हैं। नाज़रीन आइए वीडियो देखते हैं फिर हम इसके ऊपर बात करेंगे। वीडियो देखने से पहले मेरी आपसे दरख्वास्त है, जो दोस्त चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें क्योंकि जब आप लाइक करते हैं वीडियो यूट्यूब है जो वीडियो को आगे रिकमेंड करता है, फिर बहुत सारे दोस्तों के पास ये वीडियो जाती है, फिर उसका फ़ायदा ये होता है कि जो दोस्त लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट से नावाकिफ होते हैं, खबर नहीं पहुँचती, वो भी हमारे साथ जुड़ जाते हैं। तो नाज़रीन बढ़ते हैं जी, वीडियो देखते हैं, 3, 2, 1 एंड क्यू। কত কত কসমেটিক্স, আহা হা হা হা, দেখলেই পরান্ডা জুড়াই যায় গো, উমা সিনির বস্তা, এ কি কাম দাই না করছে গো, সিনির বস্তা, হারমোনি সাবান, ও হো হো, সেন্ট নাই দাই গো, ফুরফুর কই সেন্ট বেরো, এদে না পাগলা হলো আমার মন, কুরকুরে খাও মুরমুরে। চারিদিকে সারা বাংলাদেশ জুড়ে যেভাবে ইন্ডিয়ান প্রোডাক্ট বয়কট চলছে তাতে করে ये देखे बीडार, ए बीडार बाप के जाने जे तो माल जे तुलचे के लिवेक, कतो कतो प्रोडक्ट गो अभी इंडियन प्रोडक्ट, आहा कॉस्मेटिक्स, मा कमला अनार, वाह कमला डा कतो आ लाल डा कतो, जे इंडियन प्रोडक्ट नियो ना जायो अन्य किछु देखी निया जाय किना। আঙুর গো ইন্ডিয়ান আঙুর,
দামটাও কম পড়ে। মা বাদাম, এবার কি বাদাম, কত কত কসমেটিক্স গো, সব ইন্ডিয়ান প্রোডাক্ট, ফগ, বডি অয়েল, কলগেট, মা কত কিছু, মা ডাবের শ্যাম্পু, উরি বাবা কি কামটা করছে, দেখেন কি কামটাই না করছে, কত কত সনপাপড়ি গো, উমা টেডি আব্বু টেডি নিমো, এই চল, আচ্ছা উমা কত কত শ্যাম্পু, সবই ইন্ডিয়ান প্রোডাক্ট গো, নেস উড়ি বাবা, লেস গো লেস, যাই হোক কত কত প্রোডাক্ট, উমা কিটক্যাট হ্যাভে কিটক্যাট হ্যাভে ব্রেক, কি স্লোগান দেয় না দিছে, কিন্তু এরা কি জানে যে বাংলাদেশে ইন্ডিয়ান প্রোডাক্ট বয়কট চলতেছে, নিবেন কিটা, উমা এ কত প্রোডাক্ট গো, সবই তো ইন্ডিয়ান, উমা আলমন্ড এ কি বাদাম গো, উমা বাদামের বস্তা, উমা কত কত তেল, সব বিড়ি মানসির তেল গো, ও বতা রে আসল মে সব চিজে কে ইয়ে দেখে বাদাম তক বিস্কিট হর চিজ ও পড়ি হুই হ্যায় লেকিন কোই লেনে ওয়ালা নাই হ্যায় কোই ভি নাই আ রাহা। वो असल में अपनी ये मातम कर रहे हैं और कैसे वो कह रहे हैं कि देखें हम आज वेले बैठे हुए हैं फ्री में हैं कोई भी नहीं आ रहा काइंडली आप आ जाइए सारा बांग्लादेश जुड़े इंडियन प्रोडक्ट बॉयकट चलता से दह न ये सकाल 11টা 1 এখন বাজারে ভরা যৌবন এই ভরা যৌবন কালে একটা মানুষের দেখা নেই বাজারে বাংলাদেশী মানুষদের একটা মানুষের व्यूवर्स आपने ये वीडियो देखी है वेस्ट बंगाल की और गैडा बॉर्डर की जहां पर जो वहां के दुकानदार हैं जो लोकल हैं वो कैसे सारा दिन बेचारे मक्खियां मारते रहते हैं कोई आता ही नहीं। ये आपने देखा कि वो बाजार गलियां फिर शॉप के ऊपर वो बस दुकानदार है और कोई नहीं आ ही नहीं रहा। पहले वो कहते थे कि यहां पर पांव रखने की जगह नहीं होती थी इतनी ज्यादा तादाद में बांग्लादेशी आते थे और फिर वो बता रहे हैं कि ये बादाम के डब्बे फिर वो बिस्किट हर चीज वो कह रहे हैं कि अब यहां कोई लेता ही नहीं है। वैसे कि वैसे वो कह रहे हैं भरी पड़ी है हमारी हर चीज़ और बांग्लादेशियों ने जिस तरह से व्यूवर्स ये बाइकॉट किया मेरे ख्याल में इंडिया को समझ आ जानी चाहिए और इंडियन आए रोज जो बांग्लादेशियों के ऊपर कदगने लगाते हैं बांग्लादेशियों को तंग करने की कोशिश करते हैं जब वो बॉर्डर पे आते हैं तो उनको उनके साथ अच्छा सलूक नहीं किया जाता या फिर वो जो वेस्ट बंगाल में आते हैं उनके साथ बहुत बुरा सलूक अपनाया जाता है उनको डिसरिस्पेक्ट किया जाता है उनको कहा जाता है कि देखें यार आप तो बंगाली हैं आप तो वो लुंगी पहनने वाले हैं आपका तो रंग काला है आप तो वो मछली खाने वाले हैं यानी इस तरह की नजरों से उसको देख धुतकारा जाता है उन्हें अनफॉर्चुनेट। लेकिन बांग्लादेशियों ने साबित कर दिया कि आप हमारे बगैर जीरो आप हमारे ऊपर डिपेंड करते हो ये बांग्लादेशियों ने साबित कर दिया और इंडियंस की आंखें खोल के रख दी हैं कि हमारे बगैर आप कुछ भी नहीं हो। अब देखना होगा कि इंडियन हुकूमत इसके ऊपर क्या एक्शन लेती है क्या बांग्लादेशियों के साथ उसी तरह सलूक रखेगी जैसे वो पहले करती थी या फिर कुछ उनके रवैयों में तब्दीलियां मुस्तकबिल में आएंगी या फिर नहीं आएंगे इसके बारे में व्यूअर्स कमेंट सेक्शन में आपने भी बताना है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।